कहा गया है कि अगर आप शिद्दत से किसी काम में लग जाओ तो जिस चीज की आपको जरूरत है वो सच में मिल ही जाती है। सो फाइनली मेरे को आज पहला पेमेंट मिल चुका है जो कि YouTube की तरफ से आया था। आप लोगों को ये बताना जरूरी समझा था। सो मैंने मम्मी के लिए सोचा था कि चलो कुछ सरप्राइज रखते हैं और मम्मी को मार्केट ले जाते हैं, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई थी। इधर पिज्जा तैयार था, क्योंकि आप लोगों को पता है जब घर में थोड़ी बहुत खुशियाँ आती है तो सेलिब्रेट तो बनता है। सो मैंने घर पे ही पिज्जा बनाया था। तो पिज्जा बनाने के बाद मैंने बोला फटाफट मम्मी को कि रेडी हो जा। मम्मी रेडी होने के बाद फाइनली हम लोग सोनार की दुकान पे पहुंच चुके थे ज्वेलरी लेने के लिए। तो मम्मी का मतलब इयररिंग नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं उसको वही गिफ्ट कर दूं। और ये बाबू के लिए मैं कड़ा देख रही थी, क्योंकि बाबू को बचपन में मैंने कड़ा बहुत कम पहनाया है। सो यहाँ पे कड़ा बाबू का पसंद आ गया था, उसके हाथ का भी आ गया था। सो मैंने बोला कि मम्मी को जो लेना है वो ले लेगी, और तब तक बाबू का, क्योंकि खुद के लिए मैंने कुछ अभी लिया नहीं है गाइस, ले लूंगी धीरे धीरे, सब कुछ हो जाएगा। मेरे को लग रहा है आप लोगों की ऐसा ही दुआ रहे और सपोर्ट करते रहो तो शायद ये भी मुमकिन हो सकता है। तो फाइनली मम्मी के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पर हाँ छोटा सा ही लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है ये फर्स्ट पेमेंट ज़्यादा आता नहीं है। सो ये देख लो, मम्मी ने इसमें कानवे का पसंद किया था, और वो जो साइड में दिख रहा है ना, जिसकी लड़ी दिख रही है, मम्मी ने फाइनली यही वाला कान का लिया था। और इसका प्राइस हम आपको बता देते हैं कितना पड़ा था, 11,000। और हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मम्मी को ये गिफ्ट करके। सो आप देख सकते हो, और बहुत सारा और देखा गया, मैंने भी खुद के लिए देखा, पर हम ले नहीं सकते थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और शायद वो भी ले लेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये इयररिंग कैसा लगा, और मम्मी बहुत ज़्यादा